हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, रीट 2021 का एग्ज़ाम जो है वो आपका रद्द हो गया है। आप सभी को इस बारे में जो है वो पता चल चुका है, तो अब इसके बारे में सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपने माइंड से जो है वो निकालिए इस चीज़ को, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अब तैयारी जो है वो आगे क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो हो चुका है उसके बारे में आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जो हो गया वो हो गया, ऐसा मानकर जो है वो अब आगे का काम आपको करना होगा, क्योंकि पिछले यदि बातों को आप दोहराएंगे और उन बातों को लेकर चलेंगे तो आगे जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब आप ये सोचिए कि एक ये समझिए कि बहुत बुरा जो है वो समय था वो निकल गया, उसको आप सोचिए। मार्क्स जो है वो आप लोग बहुत मेहनत से लेके आए थे, सभी को पता है, और अब जो है जो भी आपने मेहनत की थी वो अब यहाँ काम आएगी, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कि पुराना जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की है वो यहाँ पर अब कैसे काम आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों की बात मैं यहाँ पर करूँगी, क्योंकि पद जो है वो अब आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये पद जो है वो सरकार ने इसीलिए बढ़ाए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो गुस्से में आकर कुछ और ना करें। ठीक है, सरकार ने जो है वो अपने को बचाने के लिए भी ये किया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर पद बढ़ने से फायदा तो स्टूडेंट का ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, दो पेपर होंगे आगामी जो रीट 2022 होगा, तो इसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों के ही दो पेपर देने होंगे। तो यहाँ फर्स्ट पेपर जो है वो आपका एज इट इज यही रहेगा, जो भी आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया था वही रहेगा, लेवल 1 वालों का वही रहेगा, लेवल 2 वालों का वही रहेगा। तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी बात मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो, अभी एग्जाम देकर भी आए हो, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है ये सभी को पता है। ये एक पात्रता परीक्षा है जिसको आप केवल पास करोगे, 90 नंबर जो है वो आपको लेकर आने हैं 150 में से। ठीक है, तो अब चलिए, अब मैं बात करूंगी आपके सेकंड पेपर की, जो कि आपको नहीं पता है, इसकी बात करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज होता है बच्चा कि अब हम क्या करेंगे, दो पेपर हैं, अब हम कैसे करेंगे, एक पेपर तो हमने जैसे तैसे कर लिया था लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे। मानिए बहुत ही आसान रहेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को जो बुक्स बताती रहती हूँ तो उन्हीं बुक्स को फॉलो करके आप दोनों पेपर क्लियर कर जाओगे बहुत आराम से। यहाँ पर वास्तव में जो मेहनत करने वाला बच्चा है वही यहाँ सक्सेस होगा, वही टीचर बनेगा। तो अब देखिए, रीट 2022 जो सेकंड पेपर क्या रहेगा, ये 2011-12 जो आरटेट का हुआ था एग्ज़ाम, तो उसका जो है वो पैटर्न मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो है नहीं पता है कि क्या जो है रहेगा आगे, लेकिन हम उसी को आधार मानकर तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे बाहर तो नहीं जाता है। एक दो पॉइंट जो हैं वही ऐड होते हैं या हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान का जीके जो है जहाँ पर भी ऐड होता है तो सिलेबस वही रहता है। तो यहाँ पर लेवल 1 का एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट पेपर जो है वो वही रहेगा जो आप लोगों ने अभी दिया था, और लेवल 2 में भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। ठीक है, ये बात आप समझिए। सबसे पहले लेवल 1 की बात करूंगी, 200 मार्क्स का कैसे रहता है। यहाँ पर राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता है 60 नंबर का। ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है राजस्थान जीके और करंट अफेयर का, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक करंट अफेयर जो है वही आपका यहाँ पर जुड़ रहा है, ये मानिए। राजस्थान जीके तो आप पहले भी पढ़ रहे थे, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर वो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल, और बुक जो है वो हमारी चल भी रही है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत फायदा होगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है तो उन लोगों को यहाँ पर कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो तो वही कर रहे हैं जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर भी तैयार होगा और साथ में आपका रीट का सेकंड पेपर जो है वह भी तैयार होगा। तो यहाँ पर राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर 60 मार्क्स का पूछा जाएगा लेवल 1 में। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो 7 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज में इसमें जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, तो ये सब आप लोग पढ़ रहे थे अभी, जो आपने अभी एग्जाम दिया था उसमें भी पढ़ रहे थे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। ठीक है,
तो वही 8th तक की जो बुक है वो आप लोगों को पढ़नी होगी सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, 35 मार्क्स के लिए। फिर एक यहाँ पर अलग से एक जो है यहाँ है कि एजुकेशन जो टेक्निक साइंस जो है, यानी कि शैक्षिक रीति विज्ञान, ये अलग से जुड़ा हुआ है। इसमें भी बस यही पूछा जाएगा कि कैसे जो है टीचिंग जो है वो करवाई जाती है, कैसी टीचिंग स्किल रहती है, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 38 मार्क्स का आएगा। तो जिस तरीके से सीटेट देने के बाद आप लोग जो है वो आगे के एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे KVS केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हो, तो वहां पर भी लगभग सिलेबस जो है वो इसी टाइप का रहता है। वहां पर आपका सेंट्रल लेवल का पूछा जाता है, और बाकी एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट नॉलेज एजुकेशन टेक्निक साइंस जो है वो यही पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो चीजें वही हैं, लगभग वही हैं। साइकोलॉजी आप पहले भी पढ़ रहे थे, वही साइकोलॉजी है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका वही है। राजस्थान का हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर जो कि 2021 में जो जुड़ा था, राजस्थान का कल्चर, तो वो आपने पढ़ा, वही यहाँ पर भी है। एक आपको करंट अफेयर नया मिल रहा है राजस्थान का, और दूसरा ये आपका जो 5th पॉइंट है आपका, ये 38 मार्क्स का जो आएगा ये आपको अलग मिल रहा है। इसके अलावा सब कुछ आपका वही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये सिलेबस पैटर्न आप देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी जो है वो राजस्थान GK की तो लगभग है, राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर हम पढ़ ही रहे थे, साइकोलॉजी हम पढ़ ही रहे हैं, हमारी बहुत अच्छे से रीट में जितने अच्छे से तैयार की है वही लगभग है, सब्जेक्ट नॉलेज हमारी वही रहेगी। ठीक है, और ये जो एक यहाँ पर जो टीचिंग स्किल पूछी जाएगी, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरा देखिए लेवल 2, ये भी 200 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये थोड़ा सा आइडिया है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वो एग्ज़ाम में आपके क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर एक तो आप इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि हमें जो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दो जो बच्चे दो पेपर को लेकर ये सोच रहे हैं कि अब जो है वो हम नहीं कर सकते तैयारी, क्योंकि पहले एक पेपर जो था वो हमने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन अब भी वही काम है, कुछ नहीं है, दो टुकड़ों में बट गया है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऐसा सोचकर चलना है। तो लेवल 2 जो है वो ये भी 200 मार्क्स का है, यहाँ पर भी वही राजस्थान का GK और करंट अफेयर पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर 20 मार्क्स की, एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान ये भी आपका 20 नंबर का है, यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान ये भी आप रीट में पढ़ रहे थे। ये सोचिए कि साइकोलॉजी आपकी 40 मार्क्स की है यहाँ पर लेवल 2 में। ठीक है, 30 मार्क्स की आपने वहां पढ़ी थी पेपर 1 में, तो यहाँ पर 40 मार्क्स की है। और जो सब्जेक्ट रहेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जो जैसे कि आप जिसके भी टीचर बनोगे, हिंदी के बनोगे तो यहाँ हिंदी आपको पूरा पढ़ना है, इंग्लिश के हो तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, SST के बच्चे हो तो आप SST पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका खुद का सब्जेक्ट है जिसके आप टीचर बनोगे तो वही आपको यहाँ पर विषय पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखकर जो है वो आपकी थोड़ी सी चिंता जो है वो दूर हुई होगी कि हमारा जो पेपर 2 होगा वो कैसा होगा। अब देखिए यहीं पर जो है वो मैं सेकंड ग्रेड के बच्चों की बात करती हूँ, जिन्होंने फर्स्ट पेपर जो है वो हमसे परचेज किया है। तो यहाँ मैं क्यों इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनको अलग से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान का GK वहाँ चल रहा है, करंट अफेयर जो है वह भी 20 मार्क्स का है। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर वो भी आप लोग पढ़ रहे हो, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो भी आपको यहाँ पढ़नी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है, सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं उनको अलग से कुछ भी नहीं करना है, ये सोचिए उनकी तैयारी तो 3 महीने से चल ही रही है। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को पहले भी बताती आ रही हूँ कि आप लोग कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे फर्स्ट पेपर दे लो, सेकंड पेपर दो, फर्स्ट ग्रेड का दो, सेकंड ग्रेड का दो, आगे जो भी रीट का एग्जाम होगा वो दो, 6 से लेकर और 12th तक की बुक्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे, जो भी स्कूल में चल रही है। RBSC की बुक आपको ऐसे अच्छे से घोट के पढ़ लेनी है, कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हो, सिलेबस वही है, कुछ भी यहाँ पर चेंजमेंट नहीं है। साइकोलॉजी आप 11वीं 12वीं की पढ़ोगे यहाँ पर वही रहेगी, लेवल 1 लेवल 2, चाहे पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो चाहे सेकंड ग्रेड दो। तो ऐसी चीज पढ़िए कि आप लोग जो है वो देखकर परेशान नहीं हो कि हमें रीट में अलग पढ़ना है, सेकंड ग्रेड में अलग पढ़ना है। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो बिल्कुल यहाँ पर पूरे तरीके से काम आ रहा है।
ठीक है। और आरबीएससी की बुक जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस जो है वो कवर करता है, तो ये चीज़ आप मानिए। और पीछे जो भी कुछ आप लोगों ने तैयारी की थी उसी को लेकर जो है आप लोग आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये तो जो है वो मोटा आइडिया है, जो कि आप लोग इसको देख कर बिल्कुल अब चिंता मुक्त हो जाओगे कि हमने जो तैयारी की है वो अब हमारी जो है वो आगे काम आएगी। और वास्तव में अब जो टीचर निकल कर आएंगे सेकंड पेपर देकर वही टीचर होंगे। स्टूडेंट का काम क्या है कि पढ़ाई जो है वो बीच में नहीं छोड़नी थी। जितने भी टाइम जो है वो आप लोगों ने ये देखने में निकाल दिया कि कट ऑफ कितनी रहेगी, बहुत सारे बच्चे लगभग जो है वो 70% बच्चे जो हैं वो तो यही देखते रह गए इन दिनों में कि हमारी जो कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने तो एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो ये कह दिया था पढ़ाई रेगुलर रहिए, कट ऑफ जो भी जाएगी सामने आएगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, फिर आप लोग टीचर बन जाओगे, वहाँ आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो बच्चे समझते हैं तो उन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी उसी वक्त, और जो नहीं समझते हैं वो सोचते हैं टीचर बन जाएंगे अब हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, तो आज से ही स्टार्ट हो जाओ, आज से ही पढ़ाई जो है वो करना स्टार्ट हो जाओ। यहाँ सिलेबस और जो पैटर्न जो रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। बुक्स कौन सी रहेंगी तो ये भी मैं आप लोगों को हमेशा से बताती रहती हूँ, और भी आगे की कोई नॉलेज होगी सिलेबस से तो वो मैं आप लोगों के लिए आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।